तो अगर आपके पास 500 रुपये से ज़्यादा है, कितने भी हो सकते हैं ज़्यादा, इतने हैं, तो आप अपनी YouTube वीडियो पर व्यूज़ ले सकते हो, सब्सक्राइबर्स ले सकते हो, लाइक्स ले सकते हो, ये सब चीज़ें ले सकते हो। आप अपने चैनल को यहाँ से यहाँ पर आ सकते हो इस वीडियो की हेल्प से, इस वीडियो में, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको अपनी YouTube वीडियो प्रमोट करनी है विद द हेल्प ऑफ गूगल एड्स। गूगल एड्स गूगल का ही प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपनी YouTube वीडियो प्रमोट करने के लिए। अगर आप गूगल एड्स के बारे में जानना चाहते हो, गूगल एड्स क्या होता है, कैसे काम करता है, तो आई बटन पर वीडियो दे दूंगा, उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो देखने पसंद आएगी तो लाइक भी कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, हमने गूगल एड्स अकाउंट बनाया था जिसमें अब हमें पैसे ऐड करना है, उसके बाद हमें कैंपेन सेटअप करना है, कैंपेन बनाना है, एक नया कैंपेन जिसमें हम अपने YouTube वीडियो प्रमोट करेंगे। लेकिन अगर आपका गूगल एड्स अकाउंट भी नहीं है तो आप वीडियो वॉच कर सकते हो, उसको मैं आई बटन पे ऐड कर दूंगा, साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ पैसे ऐड करते हैं। मिनिमम आपको 500 रुपीज ऐड करने पड़ेंगे तभी बात आगे बढ़ पाएगी। तो पैसे ऐड कर लेता हूँ मैं फिलहाल। यहाँ पे हम लोग पेटीएम वॉलेट से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, मनी ट्रांसफर एंड नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। मैं फिलहाल नेट बैंकिंग से कर लेता हूँ। तो मैंने नाम और एड्रेस ऐड कर चुका है। अब नेक्स्ट चीज़ में कितना अमाउंट देना चाहता हूँ, मैं फिलहाल के लिए 500 रुपीज़ ही ऐड कर रहा हूँ। अकाउंट टाइप इंडिविजुअल कर रहा हूँ मैं, इंडिविजुअल अकाउंट। और हमारा जो मेथड है पेमेंट मेथड, वो मैंने नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर रखा है। नेक्स्ट चीज़ अपना एड्रेस डालने के बाद मैंने कितना अमाउंट ऐड करना है वो ऐड कर दिया 500 रुपीज़। अब मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे 500 रुपीज़ ऐड कर दिए। हो सकता है थोड़ा सा लेट आए पेमेंट, मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्ट लेट हो, लेकिन वो आ जाती है। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार पेज। तो यहाँ पर हमारे 500 रुपीज़ आ चुके हैं। अब हमें नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, हमें एक कैंपेन बनाना है जिसमें अपनी यूट्यूब वीडियो प्रमोट करने वाले। अब कैंपेन बनाने के लिए सबसे पहले हमें मेन पेज पर आना है, ओवरव्यू। तो अभी तक हमने कोई कैंपेन नहीं बनाया, ये बिल्कुल नया अकाउंट है, तो अभी हमारे सामने कोई स्टैट्स नहीं है। तो अभी मैं न्यू कैंपेन पर क्लिक करता हूँ। न्यू कैंपेन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे गोल्स आएंगे, और जैसे कि मैंने पहले इस कोर्स में बताया कि आपको इनमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं करना है, आपको जाने क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स ऑडियंस, इस पर क्लिक किया मैंने। इसके बाद आपको कौन से टाइप का कैंपेन चलाना है वो देखो पहले। आपको अगर कोई और कैंपेन चलाना है, सर्च कैंपेन चलाना है, आपको गूगल पर चाहिए आपको अपना ऐड, तो वो नहीं, हमें अपना वीडियो कैंपेन चलाना है। अगर आपको भी वीडियो कैंपेन चलाना है यूट्यूब पर, तो इसको सिलेक्ट करो, इसको चूज करो। उसके बाद यहाँ पर और चीज़ें पूछेगा आपको किस टाइप का कैंपेन चलाना है, यहीं से सिलेक्ट करो। मत करना लेकिन कस्टम वीडियो कैंपेन से हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले कैंपेन नेम, तो मैं इसको टेस्ट लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ें पूछे, मैक्सिमम कॉस्ट पर व्यू के अकॉर्डिंग चाहिए आपको, टारगेट CPM के अकॉर्डिंग चाहिए, दोनों में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पर मैक्सिमम कॉस्ट पर व्यू का मतलब है कि आप कॉस्ट पर व्यू के अकॉर्डिंग बिड लगाना चाहते हो। अब इसमें होता क्या है कि आपको बिड लगानी पड़ती है, कि आपको यहाँ पर रैंक करना है पहली पोजीशन में, तो बहुत से 10 लोग हैं, 10 में से बिडिंग चलेगी, जिसने ज़्यादा पे किया होगा, जिसका ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होगा, तो वो पहले नंबर पर आएगा, फिर दूसरे नंबर पर आएगा, तीसरे नंबर पर, ऐसे ऐसे करके चलता है। तो आप कॉस्ट पर व्यू के हिसाब से बिड लगाना चाहते हो, एक व्यू के हिसाब से बिड लगाना चाहते हो, या फिर कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन के हिसाब से लगाना चाहते हो। एक 1000 लोगों के सामने आ गया तो आप उसका पे करोगे, या फिर एक बंदे ने देखा आप उसका पे करो। अब यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ मैक्सिमम कॉस्ट पर व्यू। अब नेक्स्ट आती है बजट एंड डेट्स, हमारा बजट क्या है और किस डेट में हम चलाना चाहते हैं। यहाँ पर मैं कैंपेन टोटल भी सिलेक्ट कर सकते हो, कैंपेन टोटल कितना आपका ओवरऑल अमाउंट है इस कैंपेन के लिए, और डेली के अकॉर्डिंग, डेली के हिसाब से भी चल सकते हो। डेली पर क्लिक करके मैं मोस्ट ऑफ द टाइम डेली करता हूँ, तो मैं डेली 500 रुपीज़ लेता हूँ। जैसे आज एक ही दिन में 500 रुपये उड़ाना चाहता हूँ। और यहाँ पर अगर आप एंड डेट और स्टार्ट डेट लगाना चाहते हो तो वो कर सकते हो। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है नेटवर्क्स। नेटवर्क्स में क्या है, सबसे पहली चीज़ YouTube सर्च रिजल्ट्स, दूसरी चीज़ YouTube वीडियोस, और तीसरी चीज़ YouTube पार्टनर्स है, जो डिस्प्ले नेटवर्क पार्टनर्स है, ठीक है। पहली चीज़ क्या है, YouTube सर्च रिजल्ट में आपका ऐड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ YouTube वीडियोस में आपको अपना ऐड चाहिए या नहीं चाहिए, अगर आपको चाहिए तो टिक करो, नहीं चाहिए तो अनटिक करो। तीसरे को अनटिक कर देना, क्योंकि ये अगर आप इसको चेक करोगे तो क्या होगा, आपकी जो वीडियो है वो जो दूसरे वेबसाइट्स होती है वहाँ पर भी शो करेगा, वहाँ पर भी प्रमोट करेगा, और उसका ज़्यादा फायदा नहीं है। YouTube के अंदर ही प्रमोशन करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, आपको सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी लोकेशन। लोकेशन अगर आप कोई स्पेसिफिक लोकेशन पर टारगेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, किसी कंट्री पे, किसी सिटी पे ऐसे करना चाहते हो। जैसे आप किसी अपने बिजनेस के लिए रन कर रहे हो ऐड, कोई आपका डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है जो दिल्ली में है, तो दिल्ली में ऐड रन करो, उससे ज़्यादा फायदा होगा आपको। हो सकता है आपको कॉस्ट पर व्यू ज़्यादा हाई लगे, पैसे ज्यादा देने पड़े, लेकिन आपको ऑडियंस ही मिलेगी। अब यहाँ पर मैं इंडिया सिलेक्ट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, आप चाहो तो मल्टीपल कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट आती है लैंग्वेजेस। अगर आप लैंग्वेजेस चूज करना चाहते हो कि जो इस लैंग्वेज को बोलता है मुझे सिर्फ उसी तक अपनी वीडियो पहुंचानी, क्योंकि मेरी वीडियो मराठी में, तो मैं मराठी जो आती है, जो मराठी सुनते हैं, जिनको मराठी आती है, मैं उन्हीं तक अपनी वीडियो पहुंचाऊंगा, तो आप चूज करना चाहते हो।
जैसे मराठी, मैंने मराठी चूज किया, यहाँ पर आप ऐसे कर लेना अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको नहीं चाहिए ऐसा तो नॉर्मल इसको ऑल लैंग्वेजेस रख सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हमने लोकेशन अगर अपनी इंडिया सेलेक्ट कर रखी है तो इंडिया में जो लैंग्वेजेस बोली जाती है उन सब पर ऐड पहुंचा जाएगा, नहीं तो इंग्लिश या हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज आती है हमारी वो है इन्वेंटरी टाइप। इन्वेंटरी टाइप के अंदर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला लिमिटेड इन्वेंटरी। लिमिटेड इन्वेंटरी में क्या होगा, जहाँ पर ये चीज़ें होंगी ना, सेक्सुअल कंटेंट होगा, कुछ ऐसा हल्का सा भी होगा, तो वहाँ पर आपका ऐड नहीं चलेगा। ये किन लोगों के लिए, जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, जो बड़े ब्रांड होते हैं जिनको अपनी ब्रांड वैल्यू होती है, जिनकी वो ऐसी जगह ऐड नहीं चलाना चाहते, कुछ ऐसी जगह जहाँ पर रोस्ट वीडियो, जहाँ पर गाली दी जा रही है, वहाँ पर वो ऐड नहीं चलाना चाहते, तो वो लिमिटेड इन्वेंट्री को सेट करें। स्टैंडर्ड में बीच का समझ लो, एक्सपेंडेड में कहीं पर हर जगह ऐड चलेगा, जहाँ पर गाली चल रही है, जहाँ पर कुछ भी चल रहा है वहाँ पर आपकी यूट्यूब वीडियो ऐड चलेगा। आपकी मर्जी, आप जिस टाइप के सेलेक्ट करना चाहते हो, लेकिन अगर आप एक्सपेंडेड सेलेक्ट करोगे तो आपकी कॉस्ट पर व्यू कम आएगी, आप पर डिपेंड करता है। बाकी एक्सपेंडेड सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं फिलहाल के लिए। अब नेक्स्ट चीज़ आती है यहाँ पर एक्सक्लूडेड टाइप्स एंड लेबल्स। इस पर क्लिक किया मैंने, इस पर क्लिक करने के बाद काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, फिलहाल जो जरूरी है हम उन्हीं को देखते हैं। सबसे पहली चीज़ ये, आपको अपनी कौन कौन सी जगह से एक्सक्लूड करनी है वीडियो, जहाँ जहाँ पर आपको अपनी वीडियो नहीं दिखानी, लाइव स्ट्रीमिंग में नहीं दिखानी अपने को, और एम्बेडेड यूट्यूब वीडियोज़, मतलब किसी कहाँ पर, ये वेबसाइट में, किसी वेबसाइट में जब एम्बेड करी होगी वीडियो तो वहाँ पर हमको अपना ऐड नहीं दिखाना है वीडियो में। और नेक्स्ट चीज़ ये कंटेंट नॉट येट लेबल्ड, इसको भी अनचेक कर देते हैं। अब यहाँ पर रिलेटेड वीडियोज़, अगर आप ऐड करना चाहते हो, 5 वीडियोज़ ऐड कर सकते हो तो ऐड करना चाहते हो, अगर कोई और अपनी वीडियो अपने चैनल की तो वो वीडियो भी ऐड कर सकते हो। होगा क्या, जब आपकी वीडियो ऐड आएगा, जब उसके नीचे मल्टीपल आपकी वीडियोज़ और दिख सकती हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग ऐड 2 to 5 वीडियो जो रिलेटेड हो उस टॉपिक की। जैसे ये हमारी वीडियो हाउ टू प्रमोट यूट्यूब वीडियो, तो मैं यहाँ पर करूँगा जो इससे पहले वाली वीडियो थी, व्हाट इज गूगल एड्स मैंने चूज़ किया, ये व्हाट इज गूगल एड्स। अब नेक्स्ट वीडियो मैं चूज़ करूँगा हाउ टू क्रिएट गूगल एड्स, देखिए हाउ टू की सेटअप गूगल एड्स अकाउंट, ठीक है। ये दो वीडियोस हो चुकी है मेरी, अब मैं इन दो को डन कर दूंगा। और होगा क्या, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर, यहाँ हमारी मेन वीडियो चलेगी और इसके नीचे अपने को ये रिलेटेड वीडियोस नजर आएगी, जो भी बंदा वॉच करेगा अपनी वीडियो, ठीक है, तो डन कर देते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि एडिशनल सेटिंग। एडिशनल सेटिंग कन्वर्जन, अगर आप वेबसाइट में ट्रैकिंग लगाना चाहते हो तो वो कर सकते हो, लेकिन यूट्यूब पर ऑलरेडी ट्रैक हो जाती है वो चीज़। डिवाइसेस की बात करें, आपको कहाँ कहाँ अपना ऐड दिखाने, कौन कौन से डिवाइस पर दिखाने, सेट स्पेसिफिक टारगेटिंग फॉर डिवाइसेस, यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाए। कंप्यूटर वालों को दिखाने, जो कंप्यूटर्स पर चला रहे हैं सिर्फ उनको दिखाने, मोबाइल फोन्स वालों को दिखाने, टैबलेट्स वालों को दिखाने, टीवी स्क्रीन वालों को दिखाने, ये इतना ज़रूरी नहीं है आपके लिए। अगर आपको सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर्स ही है तो इतना ज़रूरी नहीं है, आप चूज कर सकते हो। कोई मोबाइल फोन्स में सस्ते चलते हैं, बाकी कुछ जगह पर महंगे चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स का ऑप्शन भी आते हैं, डिवाइस का मॉडल, अगर आप इस पर्टिकुलर एंड्रॉइड में से किसी एक उसको सिलेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। मुझे एप्पल वालों को दिखाना है, मुझे एंड्रॉइड वालों को दिखाना है, मुझे वन प्लस वालों को दिखाना है, ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी अभी फिलहाल हम सबको ऑल पे कर लेते हैं इसे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है फ्रीक्वेंसी कैपिंग। फ्रीक्वेंसी कैपिंग क्या होती है, कई लोगों को नहीं पता होगा इसके बारे में, लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, इससे आपकी बिड ऊपर जा सकती है, आपके पैसे जितने लगने वाले हैं वो ऊपर या नीचे जा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी, अगर आप इंप्रेशंस को कैप करना चाहते हो, उससे क्या होगा, आपका ऐड किसी एक पर एक बार या दो बार, जितनी बार आप सेलेक्ट करोगे उतनी बार ही पहुंचेगा। अगर मैं यहाँ पर 2 डाल देता हूँ, दिन में सिर्फ 2 बार दिखाना है मुझे ऐड उसको अपना, उससे ज़्यादा नहीं दिखाना, क्योंकि वो परेशान हो जाएगा फिर, और उसके बाद वो क्लिक ही नहीं करेगा, वो करो साइड से बोल दे मुझे ये ऐड देखना ही नहीं है, ठीक है। अब व्यू में भी आप सेम चीज़ कर सकते हो, इस पर चेक करके, एक बार मैं चाहता हूँ एक ही बार देखे एक बंदा, तो पर मंथ के अकॉर्डिंग एक बार कर देता हूँ, ठीक है। अब वैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी इसको, इंप्रेशंस को ज़रूर कैप करना, एक बार दो बार जो आपको लगता है, एक बार वैसे मैं करता हूँ, या तो पर वीक करता हूँ, या पर मंथ करता हूँ, या फिर 2 बार कर लेता हूँ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार दिखेगा उसे एक दिन में, एक महीने में, उससे ज़्यादा नहीं दिखेगा, बार बार सामने आ जाएगा तो बोर हो जाएगा। तो मैं कर देता हूँ 2 पर मंथ, ठीक है, महीने में सिर्फ 2 बार उसके सामने मेरा ऐड है यूट्यूब वीडियो का। अब ऐड शेड्यूल, अगर आप शेड्यूल करना चाहते हो अपना ऐड तो वो कर सकते हो। अब यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट चीज़ आती है, हमारा ऐड ग्रुप स्टार्ट हो चुका है। ऐड ग्रुप क्या होता है, सबसे पहले कैंपेन आता है, फिर ऐड ग्रुप आता है, फिर उसके नीचे हमारा ऐड आता है, ठीक है। मतलब 3 लेयर होती है, एक नया कैंप वीडियो प्रमोट करने के लिए। ऐड टेस्ट यहाँ पर भी हमने कर दिया। अब यहाँ पर हमारी नेक्स्ट चीज़ आती है डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स में आपको सेलेक्ट करना है आप किस जेंडर को दिखाना चाहते हो, एज, या फिर उनके हाउस होल्ड इनकम, या पेरेंट्स हैं या फिर नहीं है वो। मैं इन सब लोगों को नहीं दिखाने वाला जो इन एज के, क्योंकि ये लोग मेरे कंटेंट पे ऑलरेडी इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, मुझे पता है इस टाइप के लोग मेरे कंटेंट नहीं देखते। आपको कैसे पता चलेगा, आप अपने यूट्यूब एनालिटिक्स में देख सकते हो कि आप किस एज के लोग आपका कंटेंट ज़्यादा देखते हैं। तो मैं यहाँ पर 18 to 24 वालों को टारगेट कर रहा हूँ, सिर्फ मेल फीमेल दोनों को कर रहा हूँ, बस के बाद मैं इसे कर दूंगा। अब यहाँ पर हमारे जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है ऑडियंस। आपको किस ऑडियंस को टारगेट करना है, सबसे पहले यहाँ पर अलग टाइप की ऑडियंस आएगी, एफिनिटी। ये ऑडियंस वो है जो यूट्यूब पर बार बार आती है कंटेंट कंज्यूम करने ज़्यादा टाइम,
और नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर आती है इंपॉर्टेंट, जो है इन मार्केट ऑडियंस। इन मार्केट ऑडियंस वो है जो मार्केट में कुछ खरीदने आती है, कुछ डिसाइड करने आती है, डिसीजन लेने आती है कि उनको ये खरीदना है, कुछ बाय करने आती है कि विच कैमरा शूड आई बाय, ऐसे टाइप की ऑडियंस। ठीक है, तो अगर आपको कुछ बेचना है तो इन मार्केट ऑडियंस को टारगेट करो। अगर आपको सिर्फ व्यूज या फिर उसके लिए कुछ प्रोवाइड करो, एजुकेशन प्रोवाइड करो, ये सब चीज़ दे रहे हो, अफिनिटी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास रीमार्केटिंग, अगर आप खुद के ऑडियंस बिल्ड कर लेते हो कस्टम ऑडियंस, तो रीमार्केटिंग भी कर सकते हो। अभी मैंने इसमें नहीं बिल्ड कर रखी, इस वाले जो गूगल एड्स अकाउंट है इसमें नहीं है, मेरे ऑरिजिनल गूगल अकाउंट में, तो वो भी कर सकते हो। रीटारगेटिंग भी कर सकते हो, उससे आपके कन्वर्जन ज़्यादा बेटर हो जाता है। जो लोग ऑलरेडी आपकी यूट्यूब वीडियो वॉच कर रहे हैं उन तक अपनी वीडियो पहुँचा सकते हो, सिर्फ जिन्होंने ऑलरेडी वॉच करा है चैनल की वीडियोज़ कोई भी, तो उन तक पहुँचा सकते हो। तो ये सब चीज़ें भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है वो ऑलरेडी इंटरेस्टेड है तो वो वीडियो पर क्लिक करने की ज़्यादा चांसेस है, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, उसमें कॉस्ट रिव्यू भी आपकी कम आएगी। अब यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर रहता हूँ, जैसे अभी के लिए फिलहाल अफिनिटी में से टेक्नोलॉजी के अंदर से सोशल मीडिया एंथुसियास्ट। अब नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे यहाँ पर, आप इसको चेक कर सकते हो, रीच मोर पीपल हु आर सिमिलर टू योर सिलेक्टेड ऑडियंस। अगर आपको चाहते हो कि जो मैंने सेलेक्ट करी यहाँ पर ऑडियंस, ये सोशल मीडिया एंथुसियास्ट, इनमें से और लोग सेम टाइप के लोग गूगल खुद ही ढूंढ ले, तो आप इसको चेक कर सकते हो, नहीं तो मत करो। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ आती है कीवर्ड्स। अगर आप कीवर्ड्स डालना चाहते हो कि मुझे अपनी वीडियो स्पेसिफिक यहाँ पर चाहिए, मैं बातों कहाँ पर चाहिए, अगर आप चाहते हो आपको अपनी वीडियो यहाँ पर टॉप पर चाहिए सर्च में, या फिर इस कीवर्ड पर चाहिए, जब लोग जो लोग ये कीवर्ड सर्च कर रहे हैं उनको दिखनी चाहिए, तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे ये मैंने जो सर्च करा है हाउ टू मेक मनी विद बिटकॉइन, मेरी वीडियो आ रही है टॉप पर, तो आप यहाँ पर वो कीवर्ड डाल सकते हो हाउ टू मेक मनी विद बिटकॉइन। ऐसे और मल्टीपल कीवर्ड्स डाल सकते हो जहाँ पर आपकी वीडियो फिर रैंक करेगी, शो करेगी, लेकिन उसके नीचे एड्स लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको कीवर्ड्स आप डालना चाहते हो डाल सकते हो। टॉपिक्स, अगर आप चाहते हो कोई, जैसे बंदा आपने ऑडियंस ऐड कर ली, ठीक है, ऑडियंस के अंदर मैं आ गया, अब मैं आ गया मैं ऑलरेडी उस ऑडियंस के अंदर कवर हो रहा हूँ, अब मैं जब इस चीज़ को सर्च करूँगा, जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब पर जाके इस टाइप का कंटेंट वॉच कर रहा हूँ, बैंकिंग का कंटेंट, तभी मुझको आपका ऐड दिखना चाहिए। तो अगर आप ये चाहते हो कि जिसको मैंने सेलेक्ट किया उसके अंदर जब वो उस कंटेंट को पर्टिकुलरली वॉच करने जाए, उस टॉपिक पे जाए, तभी उसको मेरा ऐड दिखे, तो इसको सिलेक्ट कर सकते हो। अभी फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं, मैं इसको सिलेक्ट नहीं करता हूँ ज़्यादा टाइम। ठीक है, प्लेसमेंट्स, अगर आप प्लेस करना चाहते हो कहीं पर ऐड चाहते हो कि मुझे इस जगह पे अपना ऐड लगाना है, जैसे फिलहाल के लिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊँ, यूट्यूब चैनल सेलेक्ट कर सकते हो, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ टेक्निकल गुरुजी। अगर आप चाहते हो कि आपको अपना ऐड सिर्फ टेक्निकल गुरुजी की वीडियोस पर चलाना है, टेक्निकल गुरुजी के कंटेंट पर चलाना है, तो आप उनको सेलेक्ट करके और मल्टीपल चैनल सेट कर सकते हो। ऐसे इसको सेलेक्ट कर लिया टेक्निकल गुरुजी के, वहाँ पे सिर्फ हमारा ऐड प्लेस होगा और उसके अलावा कहीं नहीं होगा। बिडिंग हम सेलेक्ट करते हैं, बिडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे डिपेंड होगा कि आपके कॉस्ट भी हाई जाएगा लो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए ज़्यादा लगाते हैं बिडिंग, 0.20 लगाते हैं। ठीक है, फिलहाल स्टार्टिंग में अगर आपका ऐड नहीं चलता है तो आप अपनी बिड थोड़ा बढ़ा लेना, अगर फिर भी नहीं चलता है तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है क्यों नहीं चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अगर आपका ऐड नहीं चल रहा है तो ऊपर इस वीडियो को ऐड कर दूंगा आई बटन पे, उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। और अगर आपकी बिड चल अगर आपका स्मूथली चल रहा है पूरा कैंपेन, तो आप अपनी बिड थोड़ी सी घटा लेना ताकि आपके पैसे कम लगे। थोड़ी सी घटाना मतलब एक दो पैसा करके घटाना। ठीक है, जैसे मैं 0.18 कर दूंगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके और कम कर दूंगा, ऐसे करके आपके पैसे बचेंगे और कुछ नहीं। अब यहाँ पर अब वीडियो हमें चूज़ करनी है, लास्ट चीज़ है अपने को वीडियो चूज़ करने की, कौन सी वीडियो प्रमोट करनी है आपको, ये चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैं फिलहाल के लिए इस वीडियो को उठा लेता हूँ। ठीक है, हाउ टू मेक मनी बिटकॉइन वाली वीडियो मैंने उठा लिया, वीडियो डिस्कवरी ऐड। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड या फिर वीडियो डिस्कवरी ऐड। स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड क्या होता है, जो हम तब देखते हैं ना जब हम वीडियो वॉच कर रहे होते हैं, स्टार्टिंग में कोई ऐड आ जाता है या फिर बीच में आ जाता है या फिर लास्ट में आता है, उसे आउट स्ट्रीम बोलते हैं। तो ऐसे टाइप के ऐड जो वीडियो के दौरान आते हैं उसको बोलते हैं इन स्ट्रीम ऐड, और जो वीडियो के दौरान नहीं आते हैं, नीचे आते हैं, साइड में आते हैं, इस टाइप के ऐड मोबाइल में जो हमको नीचे देखने को मिलते हैं, किसी वीडियो को वॉच करते हैं तो यहाँ पर नीचे ऐड देखने को मिलता है, तो उसको बोलते हैं हम अपना वीडियो डिस्कवरी ऐड। हम वीडियो डिस्कवरी ऐड चूज़ करेंगे अगर अपने को क्या चाहिए, अपने को व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स चाहिए। अगर अपने को कन्वर्जन चाहिए तो स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड चूज़ कर सकते हो। अभी फिलहाल वीडियो डिस्कवरी करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ हमें हेडलाइन देनी है, हेडलाइन क्या होने वाली है, मैं टाइटल की। यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शन है, जैसे आप किसी ब्रांड का नाम नहीं ले सकते, यूट्यूब का नाम भी नहीं ले सकते। अब आपको नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन डालना है मेक मनी विद बिटकॉइन, इसके बाद मैंने ऐड नेम डाल दिया यहाँ पर टेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमें बस सिंपल चीज़ करनी है क्रिएट कैंपेन। अगर कोई भी कैंपेन में दिक्कत आती है, कहीं पर भी हमने कुछ गलत कराओ, तो ये अपने को बता दिया, क्रिएट कैंपेन पर क्लिक किया मैंने, कांग्रेचुलेशंस योर कैंपेन इज रेडी। अभी यहाँ पर अपना कैंपेन आ चुका है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, ऐड यहाँ पर हमारा दिख रहा है। अभी स्टेटस क्या आ रहा है, पेंडिंग अंडर रिव्यू, रिव्यू के अंदर है। अभी कुछ टाइम बाद ये एक्टिव हो जाएगा, जब एक्टिव होगा तो आपको पता चल जाएगा, आप यहाँ पर आके देख सकते हो एक्टिव हुआ नहीं हुआ। जब ये एक्टिव हो जाएगा उसी के बाद जाके आपको व्यूज़, आपको सब्सक्राइबर्स और आपको यहाँ पर आपका कॉस्ट पर व्यू सब चीज़ें यहाँ पर शो होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप कैसे कर सकते हो सब्सक्राइबर्स, कैसे देख सकते हो, मॉडिफाई कॉलम पर क्लिक करके YouTube अर्न सेक्शंस के अंदर अब अर्न सब्सक्राइबर भी देख लेना, अर्न व्यूज़ भी देख लेना, अर्न लाइक्स भी कर दो, सबको चीज़ों को कर दो इनेबल।
अप्लाई कर दो और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर शो होगा अपना पूरा अनसब्सक्राइबर व्यूज सब कुछ होगा। ठीक है, तो ये था हमारा तरीका गूगल एड्स कैंपेन बनाने का और अपनी यूट्यूब वीडियो को प्रमोट करने का। इसके बाद आपको यहाँ पर चल जाएगा इंप्रेशन कितने हैं, व्यूज कितने हैं, व्यू रेट, कॉस्ट पर व्यू और सब्सक्राइबर्स कितने हैं, ये सब चीज़ें पता चल जाएगी। और अगर आपको जानना है कि कैसे आपको इसके थ्रू अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करना है, अगर उसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे मुझे जरूर उस पर बताना कमेंट बॉक्स में, इसके ऊपर जरूर वीडियो लाऊंगा। और अगर ये वीडियो आ चुकी होगी तो मैं ऊपर आई बटन पर ऐड कर दूंगा। वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या आप अपना ऐड रन करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, गूगल एड्स को चूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सिंपल जा रहे हो, ऑर्गेनिकली आगे ग्रो करने ही सोच रहे हो। तो वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगली वीडियो मिलेंगे फिर, तब तक के लिए टाटा।